हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हेमा नेगी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पहाड़ मेरे मुल्क में और सिनाओ गांव में। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके जीवन में खुशहाली आती रहे और आपका ये साल जो है बहुत ही अच्छा जाए। और मुझे भी ऐसी सपोर्ट करते रहे, बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट्स करते हैं आप लोग, तो मेरा और मन करता है कि मैं और ज़्यादा व्लॉग वीडियो बनाऊं। तो ऐसे कमेंट करते रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, और आप भी ऐसे ही खुश रहिए और अपने जीवन में नई मंजिलों को छुए। और गाइस, आज के व्लॉग को जो है हम शुरू करते हैं। तो आज हम जो है कुछ स्पेशल बना रहे हैं। ईयर है, नया साल है, तो हम जो है आज आटे का हलवा बना रहे हैं, गोलथिया बना रहे हैं, जो हमारे गढ़वाल में सब लोग कहते हैं गोलथिया बना रहे हो आटे का हलवा। तो शुरुआत करते हैं आटे के हलवे से। बस दूर नहीं रही अब गोल खाए पका। तो गाइज, अभी बज रहे हैं शाम के 4 बजे और मैं जो हूँ अभी जा रही हूँ सिनाओ गांव में, वहाँ जहाँ धूप लगी हुई है, वहाँ से धूप आ रही है, धूप ढलने वाली है। तो मैं जा रही हूँ अभी वहाँ, और वहाँ जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, इसलिए मैं पूरी पैक होके जा रही हूँ वहाँ। तो चलते हैं सिनाओ गांव में। तो गाइज, यहाँ पे गौशाला है और यहाँ पे घास रखा हुआ है इन्होंने। धूप तो आती नहीं इस साइड वैसे। तो गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी है भैंस के बच्चे, कैसे देख रहे हैं मुझे तीनों के तीनों। तो गाइस, ये सोचे ये कहाँ से आए, देख सकते हैं कैसे खड़े हो रखे, तो स्टैचू बन गए। अब थोड़ा वो करने लगे, पहले तो स्टैचू की तरह खड़े हो गए थे मुझे देखकर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर थोरी। ये सब गौशाला है यहाँ पे। यहाँ पे किसी की बैल छूटी है, पता नहीं किसकी है। आराम से घास खा रही हो। तो गाइस, ये है बीमारों का कुत्ता जो मुझे देख के वो चिल्ला रहा है। इसको यहाँ पे बुढ़ी कहते हैं। बुढ़ी ए बुढ़ी, हाय हाय, कुछ वाले काटना हुआ पछाड़े भी जन्मे थे, पछाड़े भी जन्मे थे, काटे ना हुआ जा, बाय बाय। तो गाइज, यहाँ पे जो है बिमल और का घर है, मतलब देहरादून में रहते थे साथ में, तो मैं इतना सामान ले जा रही हूँ। गाइज, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ धूप भी बहुत कम लगती है, इस वजह से पूरा पाला गिरा, अभी तक सूखा भी नहीं है। और उधर कैसे सूखा हुआ रहा, पूरा सूखा हुआ है, ये पानी निकल रहा है ऐसे यहाँ। तो गाइज, यहाँ पे नींबू लगे हुए बहुत ज्यादा। और ये रास्तों में गोबर के, गोबर ही गोबर रास्ते में, इसमें माल्टे देख सकते हैं। और इसमें पता नहीं क्या है, लौकी है कि कद्दू है, पता नहीं क्या है, कुछ है। ये है केले का पौधा, इतना बड़ा हो रखा है जो। ये भी गौशाला है। तो गाइस, ऐसे पत्थर वाले घर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन गांव में आपको
ऐसे मिलेंगे लोग अब जो यहाँ गौशाला बनाते हैं इनमें से पत्थरों से। तो गाइस ये हमारा पुल हो गया और ये है पानी की टैंकी और ये देख सकते। हैप्पी न्यू ईयर, दोबारा बोल दी बोलो। ये भी मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है। तो गाइस ये हाल का रास्ता, चलते जाओ चलते जाओ। ऊपर पे घास ले जा रहे हैं। तो गाइस हम इस गेट को खोल सकते हैं क्योंकि इसे हम अपना बोल सकते हैं यहाँ पे। तो हम चल रहे हैं यहाँ अंदर। किसी ने कहा था मुझे कि हमारे गौशाला दिखाना, तो ये देखिए। और यहाँ अंदर है बाछी, बाछी है ना, बाछी है, कितनी सुंदर बाछी है। और ये है भैंसी। और यहाँ की बकरियां अभी तक आई नहीं है घर शायद से। तो गाइस मुझे नवीन भैया ने कहा था मैं तो खुद लगनिया पर घरे की तक है जरा फोटो वीडियो भेजी दिए मैं तो, और मेरे बाखरू की भी भेजी दिए। तो मैं अब साई में छू आई हूँ। तो देखी नवीन बहन, तो देखी ली चैन अब साई भैंस बाछली और बाखर अभी नहीं छिनाया है अपन। जब बोला तब दिखो लू और अभी बाखर नहीं छिनाया तो घर चल रहा छिन तक बाद दिखना हो। प्रणाम तो माथी में तक जाऊ भेज आई तब भेज फूफ घर है मुझे घास नहीं दवा वो। प्रणाम प्रणाम चलो मूल खुश कर था नाते होने नहीं को मैं तो देखो बी नाते हो अभी ते मामा ना क्या राकेश राकेश अभी भी बी था ये सबर टीम श्वेता की टीना श्वेता अच्छा श्वेता है है ये बच्चा का मकान मिल भाई दिखोनी चल मन दिखोनी ये खेगी मकान जी ये मकान दिखोनी आ ये सही। आराम से ले नवीन के बाद चाचा देख ला तू मान छिन वहा तुम तो मान छिन नवीन चाचा देख ले तो गाइस अभी जो है मुझे गांव के रिश्तेदार मिल गए थे, नानी और यहाँ के रिश्तेदार मिल गए थे। तो उनसे बातें की तो काफी अच्छा लगा। तो अभी जो हूँ मैं भैया और के यहाँ पे पहुंच गई हूँ। यहाँ पे है ये घर है भैया और का। तो चलते हैं। तो गाइस मुझे नवीन ने कहा कि मुझे घर दिखाना, मुझे घर है, मैं तो घर है खुद लगनी छ। तो ये देख नवीन ते घर। तो गाइस सामने पे जो है चखंबा दिख रहा है,
गाइस देख सकते हैं यहाँ धूप ही नहीं आती, बहुत कम आती है, और पाला अभी तक जो है सूखा नहीं है, फिर कल गिरेगा, पता नहीं कब तक रहेगा ऐसे ही। तो यहाँ पे चाय पी जा रही है। तो गाइस जो सामान मुझे भैया को देना था वो मैंने दे दिया है, और अब मैं जो हूँ वापस बुआ के यहाँ जा रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे घरिया सरसों हो रखा है, घरिया मीन सरसों, और यहाँ पे जो है धनिया भी है। यहाँ पे काफी लोग मुझे मिले जो कि मुझे नहीं जानते, और मैं तो किसी को भी नहीं जानती हूँ, तो आज थोड़ा जान पहचान लगाई यहाँ, तो काफी अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। कैसे देख रहे हैं मुझे, कितने प्यार से देख रहे हैं मुझे तीनों के तीनों। तो यहाँ पे बुआ जो है घास ले जाते हुए घर की ओर, सेम टाइम पे मिले हैं हम। तो ये यहाँ पे बुआ ने भाड़ा लगा दिया है, और अब जो है घर चलते हैं, सेम अच्छे टाइम पे आई मैं घर। बड़े टाइम पे है ना, अच्छे टाइम पे भाकरा मिले जा। तो गाइज मैं पहुंच गई हूँ घर, और गांव में काफी ठंडा है, यहाँ इतना ठंडा नहीं हो रहा जितना गांव में हो रहा है। तो गाइज आज के व्लॉग को जो है हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हैप्पी न्यू ईयर फिर से, और नया साल आपका जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लाए, और ऐसी हंसते खुशी इंजॉय करते रहे, और घूमते रहिए कहीं भी,